गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. टुडे आई छवि गुप्ता वेलकम यू ऑल इन दिस सेशन. आई होप यू ऑल आर सेफ एंड वॉचिंग द वीडियोज रेगुलरली. एंड यू मस्ट हैव वॉच द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स इन विच वी हैव डिस्कस द ब्लड. एंड इन ब्लड वी हैव डिस्कस द टाइप ऑफ ब्लड कॉम्पोनेंट्स दैट इज RBC, WBC एंड प्लेटलेट एंड प्लाज्मा. And I have also told you that in the blood flows in a pipe form that is known as blood vessels, where we have discussed three types of blood vessels, that is arteries, veins and capillaries. Now we will relate these arteries, veins and capillary with our new topic, that is heart. That is heart. So what is in heart? Heart is an organ which beats continuously as a pump for the transport of blood carrying other substances with it. Now we have learned that the blood helps in transportation of substances. So basically ab jo the nutrients which are being transported in the blood is being pumped by heart throughout the whole body with a network of tubes or blood vessels, that is arteries, veins and capillaries. Okay. The heart pumps blood throughout our life without stopping or relaxing. जो heart है हमारी body में blood pump करता है continuously without relaxing and stopping. Now, the next one is what is the location of heart? Where is the heart being located? Heart कहाँ पर locate करता है? Now, the most is कि heart lies towards the chest, in the chest cavity towards the left side. Means, आपका heart chest cavity के अंदर, chest cavity is your बेसिकली अपर पोर्शन जहाँ पे आपके लंग्स होते हैं. तो लंग्स के बीच में थोड़ी सी स्पेस अवेलेबल होती है. इट विल लाई ओवर देयर टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड. इट लाइज बिटवीन द टू लंग्स एंड अबव द डायफ्राम. डायफ्राम के ऊपर है बट दोनों लंग्स के बीच में है. नाउ द हर्ट इज मेड अप ऑफ अ स्पेशल मसल्स कॉल्ड कार्डिक मसल्स. आपका जो हर्ट है वो एक स्पेशल मसल से बना हुआ है. दैट इज नोन एज कार्डिक मसल्स. जो कभी भी नहीं थकती. फैटीग मतलब थकना. जो कभी भी नहीं थकती एंड आर नॉट द सॉलिड मसल्स. एंड ये बिल्कुल सॉलिड स्टिफ मसल्स नहीं है. नाउ व्हाट इज़ द साइज. आपने लोकेशन पढ़ ली कि हर्ट कहाँ पे लोकेटेड है. द नेक्स्ट वन इज कि साइज क्या है. इफ यू क्लोज योर हैंड, आप अपना हैंड की जो मुट्ठी है आप उसे बंद करेंगे, दैट मुट्ठी इज नोन एज फिस्ट. जितना टाइट है आप अपनी मुट्ठी को बंद करेंगे, फिस्ट को बंद करेंगे, दैट विल बी द साइज ऑफ योर हर्ट. The size of our heart is roughly equal to our left closed and is enclosed in a protective cover called pericardium fist. मतलब एक covering के अंदर है, that is your pericardium fist, and size is your the size of your fist. Fist is your muthi. Okay. Now see the structure of heart. अगर हम heart के structure की बात करें, I will roughly draw a diagram over here for the heart to make you understand. See. बेसिकली आपका हर्ट हमने फोर सेगमेंट्स कर लिए. फाइन. सो हर्ट इज ये फर्स्ट सेगमेंट है एंड दिस इज़ योर सेकेंड सेगमेंट. ओके. सो दिस फर्स्ट दिस इज नोन एज राइट चैम्बर एंड दिस इज नोन एज लेफ्ट चैम्बर. ओके. सो द वन टूवर्ड्स द लेफ्ट इज नोन एज लेफ्ट चैम्बर एंड द वन टूवर्ड्स द राइट इज नोन एज राइट चैम्बर्स. सो हर्ट हैव टू चैम्बर्स, दैट इज राइट एंड लेफ्ट चैम्बर्स. बट इन राइट एंड लेफ्ट हम फर्दर डिविजन्स करते हैं. यू कैन सी द वन लाइन इज ओवर हेयर एंड द वन लाइन इज ओवर हेयर. जो लाइन आपकी ये वाली है, जो आपकी लाइन वर्टिकली जा रही है, दिस विल मेक टू चैम्बर्स, दैट इज लेफ्ट एंड राइट चैम्बर्स. मतलब दो पार्टीशन हो गए. एंड अब जब लाइन ऐसे जा रही है, हॉरिजॉन्टली जा रही है, तो इट विल डिवाइड दिस राइट चैम्बर्स इंटू टू पार्ट्स, वन and the second. Means the right part is divided into further two parts, that is known as right chamber 1 and right chamber 2. Abhi naming batayenge, just wait. Now same way the left is divided into further first chamber and the second chamber. So total kitne chambers ho gaye heart ke? 4 chambers. Right ke 2, left ke 2, it will make 4 chambers. Okay. Now when the heart make 4 chambers, this chamber is known as right atrium. This is known as राइट आर्ट्रियम एंड दिस इज नोन एज लेफ्ट आर्ट्रियम. ओके. सो जो अपर टू चैम्बर्स हैं, द अपर टू चैम्बर्स ऑफ हर्ट आर कॉल्ड द आर्ट्रिया और द सिंगल वन इज एट्रियम. ओके. सो राइट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट आर्ट्रियम. ओके. द नेक्स्ट वन इज जो नीचे के दोनों चैम्बर्स हैं, राइट
and the left one. They are known as ventricles, means right ventricle and the left ventricle. So they are below the line, so they are known as lower chambers, and these lower two chambers of heart are called ventricles, means right ventricle and the left ventricle. So this is your right ventricle, this is your left ventricle. Now we will see the structure of the heart. In this you can see that we have this right atrium which is towards the right. This is your right ventricle. Okay, this is your left atrium and this is your left ventricle. Clear है? So अगर मैं divide करती हूँ ऐसे ही divide होगा आपका. So यही हमने अभी आपको बताया था. I hope this is clear कि how many chambers we have, that is the four chambers. Now the next point we will see, just a minute. Now the next point is on the left side of the heart are the left atrium. Left side पर left atrium था and left ventricle था. अभी diagram में हमने यही दिखाया था. And the right side पर क्या है? Right atrium and the right ventricles. Now the next point is the atria and ventricles are separated by valves. Valves क्या है class? आपकी just एक तरह की valve, basically एक तरह का barrier है जो आपके blood flow को रोकता है. ठीक है, कि कब ब्लड फ्लो कहाँ पे ट्रैवल करेगा, दैट विल बी रेगुलेटेड बाय योर वॉल्व्स. सो वॉल्व्स आर द मस्कुलर फ्लैप्स. सी, वॉल्व्स आर द मस्कुलर फ्लैप्स दैट अलाउ द ब्लड टू फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन. वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ब्लड को फ्लो करने की परमिशन देता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपका ब्लड अगर ऐसे नीचे आ रहा है तो ये ऐसे ही नीचे फ्लो करेगा, ऊपर नहीं जाएगा. मीन्स ऊपर का मतलब ऐसे आते आते, जैसे ये नीचे आ रहा था, नीचे आता थे वापस एकदम से ऊपर नहीं जाएगा. सो इट विल प्रिवेंटेड बाय योर वॉल्व्स. ओके, द राइट साइड ऑफ द हर्ट कैरिज. अब यहाँ पे पार्ट क्या आता है? सी, अगर मैंने ये चार चैम्बर्स बनाए हैं, दिस इज योर राइट चैम्बर एंड दिस इज योर लेफ्ट चैम्बर. ओके, सो जो राइट चैम्बर्स होंगे आपके, जो राइट साइड पे आपके हर्ट के पार्ट्स हैं, वो हमेशा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगे. कैरिज डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. बट आपका जो लेफ्ट चैम्बर है, दैट विल ऑलवेज कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड. दैट विल ऑलवेज कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड. नाउ द नेक्स्ट वन इज कि जो आपकी पार्टीशन बन रही है, दिस पार्टीशन इज बेसिकली फॉर द सेपरेशन ऑफ राइट फ्रॉम द लेफ्ट एंड इट इज नोन एज योर सेप्टम. It is known as a septum and it prevents the mixing of oxygenated and deoxygenated blood inside the heart. I hope the points are clear to you. The heart is separated by a partition called the septum. That is from septum ka ek wall, jo vertical wall hai, jo aapke right ko left se separate out karti hai, so that oxygenated blood, jiske andar oxygen rich content hai, wo blood mix na ho aapka carbon dioxide wale blood se. Okay. Now this was the structure of heart. Now you can see this diagram of the heart. Then we will go further for the video, or go further for the functioning of the heart. Now just make it understand the diagram of the heart. This is your pulmonary vein. These two are your pulmonary veins. Now next is your mitral valve. ये वॉल्व क्या करेगी क्लास? जो ब्लड आपका लेफ्ट आट्रियम से यहाँ पे आएगा, उसकी एंट्री को रेगुलेट करेगी. देन लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई करेगी एरोटा के थ्रू. ठीक है, एरोटा के थ्रू ब्लड पूरी बॉडी में जाएगा. देन बॉडी उसे यूज़ करके वापस सुपीरियर वेना कावा के थ्रू राइट आर्टरी में ड्रॉप करेगी. देन ये वॉल्व ओपन होएगा, ब्लड इस वॉल्व के थ्रू वापस राइट वेंट्रिकल में आएगा. ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस इस वॉल्व के थ्रू, दैट इज पल्मोनरी वॉल्व के थ्रू वापस लंग्स में चला जाएगा फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. दिस इज अ ब्रीफ ओवर व्यू ऑफ योर स्ट्रक्चर ऑफ योर हर्ट एंड द फंक्शनिंग ऑफ हर्ट. नाउ वी विल सी द फंक्शनिंग ऑफ हर्ट. द लेफ्ट एंड द राइट साइड ऑफ द हर्ट बेसिकली सेपरेटेड बाय द पम्प्स, एक्ट एज टू पम्प्स. अभी दो पम्प की तरह वर्क करते हैं. द लेफ्ट साइड ऑफ द हर्ट पम्प्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन टू द होल बॉडी. लेफ्ट साइड जो आपको जिसमें लेफ्ट आर्टरी एंड लेफ्ट वेंट्रिकल आता है, वो आपके पूरे ब्लड को जो डी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसे पूरी बॉडी में पंप करते हैं. देन बॉडी में पंप करने के बाद वो क्या करता है, वो बॉडी में पंप हुआ ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड देन वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट साइड वापस रिसीव करती है एंड देन
रिसीव करने के बाद उसे लंग्स में भेजती है, सो दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेज, जो CO2 बाहर निकले एंड O2 वापस ब्लड में मिक्स हो जाए. सो द ऑक्सीजनेटेड ब्लड मस्ट बी केप्ट सेपरेटेड फ्रॉम द डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू सप्लाई गुड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल्स फॉर रेस्पिरेशन एंड रिलीज ऑफ एनर्जी. इफ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड द डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड विल मिक्स विद ईच अदर, द बॉडी सेल्स विल नॉट बी एबल टू गेट इनफ ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन ड्यू टू विच लेस एनर्जी विल बी रिलीज इन द बॉडी. अगर आपका ऑक्सीजनेटेड एंड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाता है देन अल्टीमेटली वॉट विल हैपन कि आपकी बॉडी में उतनी सफिशेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं प्रोड्यूस होगी सो दैट कि वो आप एफिशिएंटली वर्क कर सके. इसलिए वहाँ पर सेप्टम की वॉल लगी हुई है. नाउ नेक्स्ट चीज़ है मैकेनिज्म ऑफ द सर्कुलेशन कि ब्लड सर्कुलेट कैसे करता है. नाउ मैं आपको यहाँ पे सिर्फ राइट एंड लेफ्ट चैम्बर्स बना के दिखा रही हूँ. दिस इज़ योर लेफ्ट एट्रियम, दिस इज़ योर लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज़ योर राइट एट्रियम, दिस इज़ योर राइट वेंट्रिकल. फाइन. नाउ दीज, ये जो लाइंस हमने बनाई है ये आपकी वॉल्व्स हैं. ओके क्लास. नाउ आई विल यूज़ डिफरेंट कलर्स. नाउ व्हाट विल हैपन, आपकी पल्मोनरी वेन आएगी वो ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके आएगी. दिस इज़ योर पल्मोनरी वेन, दिस इज़ योर पल्मोनरी वेन. इट विल कम ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द लेफ्ट आर्ट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम. नाउ दिस वॉल्व विल ओपन, दिस इज़ योर मिट्रल वॉल. इट विल ओपन एंड व्हाट विल हैपन, इट विल पुश द वॉल्व डाउन साइड एंड द ब्लड विल फ्लो इन द लेफ्ट वेंट्रिकल. ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा. फ्रॉम दिस लेफ्ट वेंट्रिकल द ब्लड विल गो टू द बॉडी, द ब्लड विल गो टू द बॉडी. बॉडी में ब्लड जाएगा. दिस इज़ योर ऑक्सीजन रिच ब्लड. ओके, ये बॉडी में ऑक्सीजन रिच ब्लड आया. उसके बाद बॉडी इस ब्लड को यूज़ करेगी. यूज़ करने के बाद कैपिलरीज के थ्रू यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, CO2 वाला ब्लड जनरेट होगा. देन वेंस के थ्रू ये ब्लड कहाँ आएगा, आपका राइट आट्रियम में आएगा. देन अगेन ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेंस के थ्रू जब आया तो यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल्व है, वो वॉल्व नीचे पुश होएगी, राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा. एंड उसके बाद ये ब्लड कहाँ जाएगा, आपके लंग्स में विद द हेल्प ऑफ वेना कावा. एंड देन वेंस, लंग्स में जाएगा आपका ये ब्लड. एंड लंग्स में क्या होगा, आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा. ओके, नाउ आई विल रीड द पॉइंट्स. द ब्लड पासिस थ्रू द कैपिलरीज ऑफ द लंग्स एंड इज मिक्स विद ऑक्सीजन. लंग्स में जाएगा, ऑक्सीजन के साथ मिक्स करेगा, ऑक्सीजन रिच ब्लड जनरेट होगा. सी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज देन कैरिड फ्रॉम द लंग्स टू द लेफ्ट ऑरिकल. लंग्स से आया लेफ्ट ऑरिकल में बाय द फोर पल्मोनरी वेंस. हमने बोलते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले ऑक्सीजन रिच ब्लड पल्मोनरी वेंस से लेफ्ट ऑरिकल में आएगा. ओके, देन द लेफ्ट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट. आपका लेफ्ट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा, वॉल्व ओपन होगी. जब ये वॉल्व ओपन होगी तो ऑक्सीजन रिच ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पुश्ड इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आएगा. आगे आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड, देन लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, आपका बिगेस्ट ब्लड वेसल्स में, एंड दैट इज नोन एज एरोटा. एरोटा से पूरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा ब्लड. डिस्ट्रीब्यूट्स ऑक्सीजन रिच ब्लड, डिस्ट्रीब्यूट्स ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. देन ये ऑक्सीजन रिच ब्लड आपका कहाँ ट्रांसफर होगा, पूरी बॉडी में, कैपिलरीज के थ्रू. देन कैपिलरीज के थ्रू जब ये ब्लड ट्रांसपोर्ट होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा क्लास, सी दिस बॉडी ने यूज़ किया तो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जनरेट हो गया. देन इट एंटर्स विद द हेल्प ऑफ वेन्स, इट एंटर्स टू द राइट आर्ट्रियम. देन राइट आर्ट्रियम अगेन कॉन्ट्रैक्ट करेगी, पुश करेगी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल में. देन राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, उसे एक वॉल्व के थ्रू ओपन होने के बाद उसे वापस लंग्स में भेजेगा फॉर द प्योरिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी. ओके, सी द राइट वेंट्रिकल्स पंप द इम्प्योर ब्लड इन टू द पल्मोनरी आर्टरी दैट कैरी इट टू द राइट एंड लेफ्ट लंग्स फॉर द प्योरिफिकेशन. नाउ द CO2, जो CO2 रिलीज हो जाएगी एज अ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द लंग्स, एंड अगेन द ब्लड एब्जॉर्ब ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ ब्रीथिंग मैकेनिज्म
and becomes oxygenated. The valves present on both the sides. The valves present on both the sides of the heart regulate the blood flow from one chamber to the another. ऐसे ब्लड फ्लो होता रहता है एंड दिस साइकिल विल कीप ऑन कंटिन्यूइंग विदाउट स्लीपिंग एंड दिस इज नोन एज सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एंड दिस कॉन्सेप्ट द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड कॉन्सेप्ट वॉज गिवन बाय एन इंग्लिश फिजिशियन दैट इज विलियम हार्वे. आई होप द वर्किंग ऑफ द हर्ट इज बींग क्लियर टू यू. नाउ फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग आई शो यू अ वीडियो इन विच यू विल सी हाउ द ब्लड इज बींग पम्प्ड इन थ्रू आउट द बॉडी. Now class, we will see the circulatory system of the human body. Now you can see the circulatory system. This is your circulatory system. Now ये आपकी human body है. In this human body, he closes his first hand and then show it a fist one. Now fist को उसने place किया तो ultimately it will show you the position where the heart is being located. Now you can see. You can see over here. द बॉडी आपको हर्ट की पोजिशन दिखी तो एक्चुअल में हर्ट कहाँ है दोनों लंग्स के बीच में एंड बिटवीन द अबव द डायफ्राम. ओके नाउ द रेड लाइन्स आर योर आर्टरीज एंड द ब्लू लाइन्स आर योर वेन्स विच आर बींग कनेक्टेड टू योर हर्ट एंड इट इज बींग स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी. ओके नाउ द नेक्स्ट वन यू कैन सी ओवर हियर कि आपका हर्ट कॉन्टिन्यूसली पम्प कर रहा है, रुक ही नहीं रहा है. दैट मीन्स हर्ट हेल्प इन कॉन्टिन्यूस फंक्शनिंग ऑफ ब्लड and it pumps throughout the life long. Now these are the red color lines which shows the arteries which shows that the blood is being oxygenated and the blue color lines are your veins. See the small capillaries are shown over here jo arteries and veins mein se hi generate hoti hain and baad mein wo merge ho jati hain. Okay now you can see ki blood puri body mein aa bhi raha hai and ja bhi raha hai. That means ki blood aisa nahi ki ek bar oxygen wala blood aayega and then डी ऑक्सीजन वाला ब्लड आएगा, नहीं दोनों साइकिल्स दोनों साथ साथ होते कि ऑक्सीजन वाला ब्लड आता भी है एंड जाता भी है. नाउ दिस इज एक्चुअल द बेसिक योर हर्ट वन. आपको एक्चुअल इंटरनली हर्ट कैसे ब्लड फ्लो कराता है आपको हम ये बता रहे हैं यहाँ पे. ओके नाउ द फर्स्ट चैम्बर इज योर राइट एट्रियम. नाउ द नेक्स्ट चैम्बर इज योर लेफ्ट एट्रियम. नाउ यू विल सी राइट वेंट्रिकल एंड देन यू विल सी द लेफ्ट वेंट्रिकल. नाउ अब उसके बाद आपको वॉल्व दिखाए जाएंगे. सी अब एक्चुअल में क्या होता है जस्ट वेट, यहाँ पे आपको सारे चैम्बर्स दिखाए. अब उसके बाद यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल्व है जो राइट एट्रियम को ओपन करती है राइट वेंट्रिकल में. मिट्रल वॉल्व है जो लेफ्ट एट्रियम को ओपन करती है लेफ्ट वेंट्रिकल में. एंड एरोटिक वॉल्व जो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड लेके जाती है आपकी पूरी बॉडी में. देन पल्मोनिक वॉल्व जो आपको बाद में राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड आया है वो आपको लंग्स में देने में हेल्प करती है. नाउ दिस आर द स्ट्रक्चर्स. अपने यहाँ पे स्ट्रक्चर्स देखे कहाँ पे क्या चीज़ प्रेजेंट है. नाउ यू कैन सी कि ब्लड आ रहा है जा रहा है आ रहा है जा रहा है. हर्ट पंप कर रहा है पंप कर रहा है पंप कर रहा है. तो दैट मीन्स आपका ब्लड कॉन्टिन्यूसली फ्लो कर रहा है. नाउ यू कैन सी एरो से ब्लड अंदर आया देन वो नीचे जा रहा है एंड वापस ऊपर नीचे मूव कर रहा है. फाइन सी अब यहाँ से जब ब्लड अंदर आया दिस इज़ योर पल्मनरी वेन. दिस इज़ योर पल्मनरी वेन. सो पल्मनरी वेन्स रिसीव्स द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स. इट पम्प्स टू द राइट लेफ्ट एट्रियम एंड देन इट गोज टू द ट्रैक मिट्रल वॉल्व टू द लेफ्ट वेंट्रिकल. देन आफ्टर द लेफ्ट वेंट्रिकल द ब्लड इज बींग फ्लो. द ब्लड इज being flow to the body. See अब ये valve open होएगा आपका aortic valve open होएगा. aortic valve जैसे ही open होएगा blood left ventricle से aorta में जाएगा and aorta से पूरी body में circulate होएगा आपका. See अब aorta से blood कहाँ गया, पूरी body में circulate हो रहा है with the help of your arteries. Okay arteries अब आगे further क्या होगा, यहाँ पे capillaries आगे जिसने exchange of gases किया, blood को mix up किया, यूज़ किया ऑक्सीजन वाला ब्लड एंड देन CO2 जनरेट की. तो अब डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जनरेट हो गया, वेन्स की फॉर्म में वो वापस आएगा. अब वेन से वापस आके कहाँ जाएगा आपका, हर्ट में जाएगा. फाइन वेना कावा के थ्रू अब वो हर्ट में आएगा. सी एरोस दिखा रहे हैं कि आपका ब्लड हर्ट में आ रहा है. ओके सी अब ब्लड एरोस के थ्रू हर्ट में आया, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हर्ट में आया. हर्ट के कौन से चैम्बर में आया,
राइट चैम्बर में, राइट चैम्बर कौन सा, राइट एट्रियम में आया, देन ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन होएगी आपकी, वॉल्व ओपन होगी तो अल्टीमेटली वो ब्लड कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा, देन राइट वेंट्रिकल से वापस पल्मोनिक वॉल्व ओपन होके क्या होगा, वो ब्लड लंग्स के पास जाएगा फॉर प्योरिफिकेशन। पल्मनरी आर्टरी ओपन हो गई, पल्मनरी आर्टरी ओपन होकर कहाँ गया, वो ब्लड कैपिलर्स के वापस, सी पल्मनरी आर्टरी ओपन के बाद वो लंग्स में कनेक्टेड हो गया, अब ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाएगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगी, देन CO2 वापस आएगा एंड पल्मनरी वेन्स से वापस राइट लेफ्ट आर्ट्रियम में शिफ्ट करेगी। सो दिस साइकिल्स विल कीप ऑन रिपीटिंग एंड आपका ब्लड ऐसे पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा। सो आई होप दिस वीडियो इज़ क्लियर टू यू हाउ द हर्ट इज बींग फंक्शनिंग एंड थ्रू आउट द बॉडी, थ्रू आउट द लाइफ टिल यू आर अलाइव। ओके नाउ सो आई होप द फंक्शनिंग ऑफ हर्ट इज क्लियर टू यू। नाउ इट्स टाइम, जब हर्ट कॉन्टिन्यूसली बीट कर रहा है सो अब उस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन को, हर्ट एक बार अंदर आता फिर बाहर जाता, अंदर आता बाहर जाता, दैट इज नोन एज रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हर्ट मसल्स, जो एक आपको साउंड प्रोड्यूस करता है, दैट इज योर लब डब एंड दिस मूवमेंट इज नोन एज योर हर्ट बीट, दिस इज नोन एज योर हर्ट बीट। सो एक एवरेज ह्यूमन बॉडी में आपका हर्ट बीट कितना होता है, 70 to 80 बीट्स होता है, मतलब एक बार एक मिनट में आपका हर्ट 70 to 80 टाइम्स बीट करता है। बट अगर आप नॉर्मल एक्सरसाइज, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं तो यह हर्ट बीट इंक्रीज हो जाती है। ओके सो ड्यूरिंग फास्ट बीटिंग ऑफ हर्ट द ब्लड इज पम्प्ड, क्यों, क्योंकि आप जब फास्टली काम करते हैं तो हर्ट बीट इंक्रीज हो जाती है ताकि मोर एंड मोर सप्लाई ऑफ ब्लड कैन बी पम्प्ड टू द बॉडी। सो द ब्लड इज पम्प्ड मोर रैपिडली टू द ऑर्गन्स टू सप्लाई मोर ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल्स, इट हेल्प इन रैपिड रेस्पिरेशन एंड टू प्रोड्यूस मोर एनर्जी। सो द हर्ट बीट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पल्स इन अ मिनट। ओके सो आई होप द हर्ट बीट कंटेंट इज क्लियर टू यू एंड वॉट वी हैव स्टडीड टूडे इज द फंक्शनिंग एंड द स्ट्रक्चर ऑफ हर्ट एंड वॉट इज हर्ट बीट। नाउ द questions that you need to answer is, name the artery that carry deoxygenated blood from heart to lungs, वो कौन सी आर्टरी है जो deoxygenated blood carry करती है from heart to lungs, मतलब heart से लेके जाएगी कहाँ पे, lungs में। Now the next is, how many pulmonary artery do a human heart have, कितनी pulmonary artery एक human heart के पास होती है। So you can only answer this questions when you see the video properly and after seeing this video I hope the content will be clear to you and if you have any doubt you can contact me. That's all for today. Thank you and have a nice day.